वेलकम, मेरा नाम है वंदिता वशिष्ठ और आज बहुत ही एपिक डे था, यू नो द डे ऑफ लॉन्चेस। तो इतने सारे लॉन्चेस हुए, 3 फोन तो इंडिया में ही लॉन्च हुए हैं, लेकिन अब बात करने वाले हैं हमारे ग्लोबली लॉन्च हुए पोको F2 Pro के बारे में। जी हाँ, पोको की F सीरीज का दूसरा स्मार्टफोन है जो आज फाइनली ग्लोबली लॉन्च हो गया है स्पेन के एक ऑनलाइन इवेंट में, और इसी के साथ पोको ने कर दी है फ्लैगशिप की रेस में एंट्री। अभी देखते हैं कि पोको इस रेस में जीतने वाला है या पीछे रह जाएगा। तो बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की और बात स्टार्ट करेंगे डिजाइन और डिस्प्ले के साथ। तो 6.67 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले आपको फोन में देखने को मिलेगी। फुल व्यू डिस्प्ले है, फुल व्यू डिस्प्ले का मतलब आप समझ ही गए होंगे, पॉपअप सेल्फी कैमरा फोन है ये। तो पॉपअप सेल्फी कैमरा है और इस हिसाब से जो डिस्प्ले है वो फुल व्यू है। बैक पैनल पर आएंगे तो आपको सर्कल शेप में इसका कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा। क्वाड कैमरा सेटअप है और जो शानदार कलर्स में ये पेश किया गया है, तो 4 बड़े ही अच्छे अच्छे कलर्स में आपको ये फोन देखने को मिलेगा। USB टाइप सी पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। फोन में बता दूं कि आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है, तो डिजाइन और डिस्प्ले के मामले में आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे क्योंकि काफी अच्छा डिजाइन और डिस्प्ले है। और अब हम बढ़ते हैं इसके रैम और रोम की तरफ। तो फोन में आपको देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का चिपसेट विच सपोर्ट्स 5G विच इज द लेटेस्ट दैट वी हैव। फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉइड 10 बेस्ड पोको लॉन्चर 2.0 देखने को मिलेगा। इसी के साथ फोन में आपको देखने को मिलेगी लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी 2.0 विच हेल्प्स ड्यूरिंग गेमिंग सेशंस। तो गेमिंग के दौरान आपका फोन जो बहुत ज्यादा हीट अप कर जाएगा, तो दिस टेक्नोलॉजी विल हेल्प इन डिटेक्टिंग द हीट यू नो एक्यूरेटली और उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है। इसी के साथ वेरिएंट्स की अगर हम बात करें तो 2 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, 6GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, दूसरा है 8GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज। तो 2 वेरिएंट्स आपको फोन में देखने को मिलेंगे। और अब बढ़ते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फैक्ट कैमरा सेक्शन की तरफ। तो 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है जिसमें आपको देखने को मिलेगा सोनी IMX686 का सेंसर। 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है विद अ फील्ड ऑफ व्यू ऑफ 123 डिग्रीज। 5 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो लेंस है और 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस है। रियर कैमरास के बाद अगर हम बात करें हमारे पॉपअप सेल्फी कैमरा की, तो 20 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया गया है। ऑल्सो आप स्लो मोशन में सेल्फीज ले सकते हैं, ये फीचर भी दिया गया है। अब ये जो सारे आपके पास हमने स्पेसिफिकेशंस जो मैंने आपको बताए हैं, जो आपको देखने को मिल रहे हैं, इसको पार करने के लिए दी गई है 4700 mAh की बैटरी विच सपोर्ट्स 30W ऑफ फास्ट चार्जिंग विच इज नॉट बैड, आई मीन वेरी नाइस। और इसी के साथ अगर कुछ और स्पेसिफिकेशंस की हम बात करें तो ये NFC एनेबल्ड है, IP रेटिंग दी गई है विच मीन्स वाटर रेजिस्टेंट है फोन, और इसी के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। तो ये था पोको F2 Pro के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं प्राइस की, द वेरी इंपॉर्टेंट। तो 6GB रैम का जो इसका बेस वेरिएंट है उसका प्राइस बताया गया है 499 euros। तो अगर उसको हम इंडियन रुपीज में लगभग कन्वर्ट करें तो 40,470 rupees की इसकी कीमत है बेस वेरियंट की। तो ये इसके बेस वेरिएंट की प्राइस है और ये फ्लैगशिप फोन है, तो इसी प्राइस के साथ और स्पेसिफिकेशन के साथ ये आ सकता है रेस में रियलमी X50 Pro, OnePlus 8 और iQOO 3 की। तो देखते हैं इस रेस में जब उनका फुल रिव्यू करेंगे तो इस रेस में कौन सा फोन निकलता है आगे। अगर आपको पोको F2 Pro की स्पेसिफिकेशंस अच्छी लगी या प्राइस के हिसाब से कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट करके प्लीज बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एज आई ऑलवेज से, यू पीपल नो द ड्रिल, एंड टिल देन दिस इज वंदिता वशिष्ठ सेइंग गुड बाय।